होस्टंगर वेबसाइट में अगर आप लॉगिन होना चाह रहे हैं तो किस तरीके से लॉगिन किया जाता है, चलिए जान लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी ओपन कर लेता हूँ, गूगल, जैसे कि हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे होस्टिंगर, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखकर सर्च कर देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर मिल गया है होस्टिंगर, यानी कि न्यू क्रिएटेड वेबसाइट, चाहे आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, चाहे आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं ऊपर वाली पर ये सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो काफी लोगों ने मुझे कहा था कि ये लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, तो लॉगिन करने में क्यों दिक्कत आ रही है, जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन पर सिंपली क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन पर सिंपली क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो शुरू शुरू में होता क्या है, जब भी अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें यह है कि आप फेसबुक से लॉगिन कर लेते हैं। अब ऐसे में यह है, अगर आपकी फेसबुक आईडी जो ईमेल आईडी होती है वो हट जाती है फेसबुक से, तब आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, वो दिक्कत खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने गूगल से, यानी कि अगर आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालना है और आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। मैंने क्लिक कर दिया है और ये हमारा एच पैनल है वो यहाँ पर यानी कि ओपन हो गया है। अब यहाँ से आप सारे काम कर सकते हैं। वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर मिल जाता है होस्टिंग का ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से मैनेज करते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि जो भी आपने होस्टिंग में जो भी प्लान यहाँ पर ले रखे होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैनेज पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी डेक्स यूज का जो डाटा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे 100 GB मिला है और यहाँ पर मैंने कितना यूज कर रखा है वो, यानी कि जो हम अपनी वेबसाइट पर फोटो वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, तो वो स्पेस यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी आपका इतना खाली है और इतना भराया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं CPU, तो यहाँ पर 100% है और ये 0 है। इसी के साथ में मेमोरी, जो कि साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर MB देख सकते हैं, यानी कितनी MB मैंने यहाँ पर यूज कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्लान ले तो लेते हैं पर हमें पता नहीं रहता या फिर ध्यान नहीं रहता है, तो वो चीज आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर क्लाइंट डिटेल भी देखने को मिल जाती है इसी आइकन, तो इस पर आप सिंपली क्लिक करके और आप यहाँ पर सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अगर आपको बीच में ही अभी से अपग्रेड करने की जरूरत पड़ जाती है तो आप यहां से अपग्रेड भी कर सकते हैं प्लान के लिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो प्लान लिया हुआ होता है और उसके बाद में जो हमारा काम है वो अच्छा चलने लगता है, तो हम चाहते हैं क्यों ना इस प्लान को किसी, जैसे कि बिजनेस है, ठीक है, उसमें हम यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहें तो हम यहाँ से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। और मंथली का आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना रुपया पड़ेगा, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपको प्लान है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो प्लान हमारा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 100 वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर ये इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर बिजनेस प्लान यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अभी आप यहाँ पर अपग्रेड कर लेते हैं, तो आपको इसमें 100 वेबसाइटें चलाने को मिलेंगी, 200 GB जो कि आपको स्टोरेज मिलेगा, 200 GB बहुत हो जाता है, ठीक है। हालांकि मैंने तो 100 वाला ही ले रखा है, और डेली बैकअप आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में फ्री ईमेल और अनलिमिटेड फ्री SSL, ठीक है। हमें ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अभी जो बिजनेस स्टार्ट ईमेल है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि इसके प्राइस है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 70 रुपये आपको देने होंगे। यहाँ पर स्टोरेज देख सकते हैं, ठीक है, आपको इसमें क्या क्या चीजें मिल जाएंगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में डू नेम्स पर आप सिंपली क्लिक करेंगे,
पर जो भी आपने डोमेन यहाँ पर ले रखे होंगे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं यानी कि चालू है कि नहीं है। तो मेरा यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट देख सकते हैं, ऑटो रिन्यू आप इसे मैनेज कर सकते हैं खुद से, ठीक है। इससे होता क्या है, जैसे कि जब भी आपने ये डोमेन परचेज किया होगा तो वहाँ पर आपने पैसे यहाँ पर पे किए होंगे और वहाँ पर जो अमाउंट है वो दिखाता होगा, ठीक है। पर जो आपकी अमाउंट है वो उतनी ही कटी होगी जो आपको बताते होंगे, ठीक है, पर वहाँ पर 100 अधिक होती होगी। तो वो आपसे परमिशंस ले लेते हैं कि अगर बाद में अगर आपको यहाँ पर अपग्रेड करने का ध्यान नहीं रहता है तो ऐटोमेटो ही आपके खाते से पैसे कट जाएंगे और आपकी वेबसाइट वगैरह कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो यही वहाँ पर प्लान होते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है BPS, ठीक है। BPS की आप यहाँ पर सर्विस ले सकते हैं, जो कि आप इनके बारे में भी पता कर सकते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीज आपको कहाँ कहाँ कितने में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करके ये सारी चीजों बिलिंग से रिलेटेड आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट हिस्ट्री है। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर कितनी पैसे यहाँ पर पे किए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने साल के लिए और किस डेट में किए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पेमेंट आईडी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाती है।